पवई से भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्री प्रहलाद लोधी जी की विधानसभा से सदस्यता मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा जिस जल्दबाजी में और जिस तरह से हड़बड़ी में समाप्त की थी, उसके कारण से न सिर्फ प्रदेश में बल्कि पूरे देश में एक संदेश यह गया था कि ये राजनीतिक द्वेष के कारण ये सदस्यता समाप्त हुई है, क्योंकि उनको एक मामले में, एक ऐसे मामले में जिसमें किसी तहसीलदार के साथ मारपीट का प्रकरण न्यायालय में चल रहा था और स्वयं तहसीलदार ने अपने बयान में ये कहा था कि जब मेरे साथ मारपीट हुई तो मारपीट करने वाले दो प्रहलाद लोधी थे, लेकिन उसके बाद हमें इस पर आपत्ति नहीं है, उनको उसको लेकर 2 साल की सजा हुई थी, वो मामला हाईकोर्ट में आगे चलेगा, लेकिन उसके साथ साथ उनको अपील करने का समय भी दिया गया था और साथ ही जमानत भी दी गई थी। ऐसी स्थिति में बगैर राज्यपाल या बगैर माननीय उच्च न्यायालय की अनुमति के मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष ने जल्दबाजी में आनन फानन उनकी सदस्यता समाप्त करने की घोषणा कर दी, और तब भी हमने ये कहा था कि मध्य प्रदेश विधानसभा की गरिमा के प्रति हमारे मन में पूरा सम्मान है, लेकिन इस तरह से निर्णय नहीं लिए जाते, और इस निर्णय ने यह साबित कर दिया है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बहुमत में आए इसके लिए कांग्रेस किसी भी स्थिति में किसी भी कीमत पर जाने को तैयार है, और उसमें उन्होंने एक टूल के रूप में मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष का उपयोग किया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। हम फिर कहते हैं कि विधानसभा और विधानसभा के अध्यक्ष दोनों के प्रति हमारे मन में सम्मान है, लेकिन ऐसे निर्णयों से बचना चाहिए, क्योंकि विधानसभा के अध्यक्ष किसी पार्टी का सदस्य नहीं होता, वो सभी विधायकों के अभिभावक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से जो कुछ भी हुआ, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आज के आदेश ने ये साबित कर दिया कि विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा लिया गया निर्णय पूर्णतः राजनीतिक था, द्वेषपूर्ण था, अपरिपक्व था। हम आभारी हैं माननीय उच्च न्यायालय के कि हमें वहाँ से न्याय प्राप्त हुआ, और चूंकि अब दंडादेश यानी कन्विक्शन पर ही स्टे हो गया है, और इसलिए अब उनकी सदस्यता भी विधानसभा में यथावत रहने वाली है।